आज मैं आपको लाइट सा बैक पफ बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पफ जो है आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपको ये पफ आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पफ मैंने आपको दिखाया, ये जो है मोस्ट ऑफ द हेयर स्टाइलिंग में ये यूज होता है। आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग करते हो, ज्यादातर आपका ये जो पफ है वो यूज होता है हेयर स्टाइलिंग के अंदर। तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं और कैसे जो हमें पफ में शेप देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो सेक्शनिंग है वो सही होनी चाहिए। अगर आपकी सेक्शनिंग अच्छी होगी तो आपकी जो शेप है पफ की वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि पफ का जो सेक्शन आपको लेना है वो एक तरीके से जो आपकी सेंटर पार्टिंग होगी उससे थोड़ा सा 2 इंच लगभग जगह छोड़ करके दोनों साइड से, उधर भी और उधर भी दोनों साइड से सेंटर पार्टिंग की 2 इंच लगभग जगह छोड़ करके आपको एक तिरछा सेक्शन लेना है। एक तिरछी लाइन खींचो बाहर की तरफ को, फिर अंदर की तरफ को, दोनों साइड से सेम ऐसे करना है। यानी कि एक तरीके से आपको वी बनाना है साइड से, जैसे कि आपने देखा, और वो आपको सेक्शन लेना है। एक होता है कि आप नॉर्मल गोल सेक्शन भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने और भी वीडियोज में बताया है, तो वो सेक्शन भी आप ले लेते हैं। लेकिन ये वाला सेक्शन लेने से क्या होगा कि आपकी जो शेप है पफ की वो बहुत अच्छी आएगी। कैसे भी आप सेक्शनिंग में एक सोचते हैं कि कैसे भी ले, लेकिन सेक्शन अगर आप अच्छे तरीके से लोगे तो पफ की शेप जो है ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद बैक कॉमिंग का तरीका तो आप देख ही रहे हो। बैक कॉमिंग करते वक्त क्या है, सेक्शनिंग कैसे लेनी है ताकि आपका जो पफ की शेप एकदम गोल आए, उसके लिए क्या करना होता है। मैंने हमेशा आपको बताया कि आपके जो सेक्शन होने चाहिए वो होने चाहिए ओवरलैप। ओवरलैप मींस कि एक आप सेंटर से सेक्शन ले रहे हो, फिर आपने एक साइड से लिया, एक लेफ्ट साइड से लिया, एक राइट साइड से लिया, फिर से एक सेंटर से लिया, फिर एक लेफ्ट से लिया, फिर एक राइट से लिया। इससे क्या होता है कि आपके जो सेक्शंस के बीच में जो गैप होता है वो फिल होता जाता है, उसकी वजह से जो आपकी शेप है वो बहुत अच्छी आती है। अब जो आपने ये तिरछा सेक्शन लिया था, इससे क्या हुआ कि आपका जो साइड का गैप था ना वो आपके जो हेड है उसकी शेप में आ गया आपके सेक्शन से। अगर आप सीधा सेक्शन लेते हैं तो क्या होता है कि साइड का जो पार्टीशन होता है ना वो काफी बार पिनअप करने में लूज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मेथड है वो बेस्ट है। और पिनअप करने का तरीका ये बहुत आसान है कि बालों को 2 फिंगर में ग्रिप करो, पहले एक राइट साइड से पिन लगाओ, फिर एक लेफ्ट साइड से क्रॉस करके, और फिर 2 पिन आप सेंटर में लगा दो। तो बहुत आसान सा तरीका है ये पफ बनाने का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।